वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित, मैं सत्यम। और जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कल्चर प्रोडक्शन के बारे में, तो इससे पहले हमारा 5 लेक्चर हो चुका है, हमने 5 लेक्चर में स्टडी किया है। अगर आपने मेरा 5वां लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या हमारे टेक्निकल टीम डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देगी। तो चलिए बात करते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्ट के बारे में। तो रेन वाटर हार्वेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में कहाँ तक स्टडी किया था, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। हमने पिछली क्लास में इरिगेशन सिस्टम एंड मेथड, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम एंड मेथड को हमने स्टडी कर लिया था। हमने ये सारे चीज को आपको प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा दिया है, पढ़ा दिया। अगर नहीं देखा तो जाके आप हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए। चलिए आज हम बात करते हैं अब रेन वाटर हार्वेस्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है आज की क्लास, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्ट क्या होता है? रेन वाटर मतलब बारिश जो होता है उसको बोलते हैं रेन वाटर, ठीक है। और हार्वेस्ट मतलब निकाल लेना, ठीक है, हार्वेस्ट मतलब निकाल लेना। तो कहाँ से निकाल लेना? हमारा जो फील्ड है, हमारे फील्ड पे जो पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, आप सुने हुआ है कि बहुत सारे पानी इकट्ठा होने के कारण हमारा फसल जो है खराब हो गया। तो फसल को खराब होने से बचाने के लिए, डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए जो हम रेन वाटर को निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्ट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। वन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेन, ठीक है, ये बहुत छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। क्या, कहाँ का हिस्सा छोटा होता है? जहाँ जिस एरिया में बारिश होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। रेन वाटर फॉलिंग का, फॉलिंग एराइड मतलब, एराइड मतलब शुष्क, और सेमी एराइड मतलब अर्ध शुष्क, ठीक है। इस पर क्या होता है, ये क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है, उसके डीपर, और जहां बारिश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो बारिश हुआ है, ठीक है, उसको क्या करता है, सॉइल क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, और क्या, रॉक भी, क्योंकि बारिश सिर्फ सॉइल पे नहीं होने वाली है, रॉक पे भी होगी। तो ये क्या कर लेगी, उस पानी जो बारिश हुआ है पानी, उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी। तो देखिए प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिकोलेट्स इनटू द डीपर एंड सॉइल ऑफ द लेयर टू रिचार्ज एंड द एक्विफर्स। कहने का मतलब कि जो हमारा बारिश हुआ है, ठीक है, हमारा जो बारिश हुआ है, तो बारिश हुआ पानी क्या कर लेगा, जो हमारा लैंड है, जो हमारा फील्ड है, वो पानी क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी, जमीन के नीचे चली जाएगी। तो कैसे, और वो क्या करेगी, रिचार्ज कर देगी। किसको रिचार्ज कर देगी, एक्यूफर को। तो भाई एक्यूफर क्या होता है, रिचार्ज क्या होता है, नया दो मतलब है। तो चलिए दिखाते हैं एक्यूफर क्या होता है और रिचार्ज क्या होता है। मान लीजिए हमारा ये लैंड है, ठीक है, हमारा क्या, ये लैंड है, ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि इस पे ये हमारा लैंड है, और इस पे जो है हमारा क्या हो रहा है, बारिश आ रहा है, ठीक है, इस पे हमारा जो है, इस पे जो हमारा बारिश क्या हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, ये इस पे हमारा क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो बारिश हो रहा है, तो बारिश होने के दौरान क्या होगा कि हमारा जो नीचे का लैंड है, हमारा जो नीचे वाला ये जो लैंड है, ठीक है, ये जो हमारा नीचे वाला है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो नीचे की तरफ जाकर जो पानी हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा, इस एरिया में जो हमारा पानी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्यूफर। इस एरिया को क्या कर देगी, फुलफिल कर देगी, इसी को बोलते हैं रिचार्ज, एक्यूफर को रिचार्ज कर देना। रिचार्ज जो है इधर, रिचार्ज यही रिचार्ज है, एक्यूफर को रिचार्ज कर देगा, मतलब फिर ये क्या हो गया था, खाली हो गया था, फिर से पानी आके इसमें भर गया, मतलब ये रिचार्ज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं Another small fraction is used for transportation, vegetation of the agriculture crops, ठीक है। और दूसरा क्या फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन इसका ये है कि ये जो पानी हमारा जो स्टोर है, ये पानी जो हमारा स्टोर है, ये क्या करता है, ये पानी स्टोर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, मतलब चला जाता है, कहाँ चला जाता है, हमारे एग्रीकल्चर के अदर क्रॉप्स को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए। मान लीजिए यहाँ पानी है और यहाँ कोई प्लांट लगा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये पानी यहाँ से लेगा, है कि नहीं। तो ये पानी क्या हो गया, ट्रांस क्या हो गया, पोर्टेशन हो गया, ठीक है। ये पानी यहाँ गया और हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्लांट लगा हुआ है वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो इस पर्पस को लेकर भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, हमारा कौन सा, रेन वाटर, जो कि एक्यूफर में हमारा स्टोर हो गया। तो ये सारी बातें हम क्या है, रेन वाटर हार्वेस्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा क्या है, द मेजोरिटी ऑफ द प्रिसिपिटेशन, ठीक है, ऑन इवेपोरेशन फ्रॉम द ऑफ्टेन वार, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन मतलब क्या, प्रिसिपिटेशन कहने का मतलब बरसात, जो हमारा बारिश का पानी जो बरसात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन होना, ठीक है, मतलब कि पानी का वाटर पेपर बन के ऊपर जाना, और फिर उस वाटर पेपर का मतलब ड्रॉपलेट्स ऑफ
वाटर के फॉर्म में नीचे आ जाना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो ये पानी हमारा नीचे आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है, मेजोरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑन इवेपोरेशन, और हमारा जो बरसात हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुआ, वो क्या हो जाएगा, उसका अधिकतर भाग क्या हो जाएगा, वाटर वेपर बन के इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर बन के क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन सा, तो अक्सर क्या होता है, मतलब देखिए ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मतलब अक्सर। ठीक है, अक्सर क्या होता है, सॉइल फॉर्म्स इन सरफेस डीपर्स, और अक्सर क्या होता है कि पानी क्या होता है, जमीन के नीचे, ठीक है, जो हमारा डीपर भाग है उसमें क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, अक्सर जो हमारा क्या हो जाता है, डीपर भाग में चला जाता है। ठीक है, अक्सर हमारा डीपर भाग में चला जाता है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और फिर हमें क्या कर, और इससे क्या होता है, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या, मान लीजिए कि भाई पानी जो हमारा है वो बरसात हुआ, ठीक है, हमारा जो पानी है वो बरसात हुआ, बरसात होने के दौरान क्या हुआ, लैंड पे आने के बाद फिर क्या हो गया, सनलाइट पड़ा, इवेपोरेट होके फिर वो क्या हो गया, चला गया, कहाँ चला गया, आसमान में चला गया। ठीक है, तो अब उसके बाद और कुछ पानी क्या हुआ, मान लीजिए सब पानी तो इवेपोरेट थोड़ी हो जाएगा, तो कुछ जो बच गया वो क्या हो गया, नीचे, ठीक है, सॉइल के नीचे क्या हो गया, चला गया। ठीक है, सॉइल के नीचे चला गया। अब जो बचा, ठीक है, अब क्या है कि ये सब सरफेस मतलब जमीन के नीचे चला गया। उसके बाद क्या है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री द नेसेसरी टू थिंक, और इसके बाद क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो जाता है हमारे कंट्री में, मान लीजिए बारिश के दौरान देखते हैं, बारिश वगैरह होता है तो हमारा मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे धान की खेती देख लीजिए, धान की खेती में बारिश की बहुत ज़्यादा क्या होता है, अहम योगदान होता है, बारिश होता है, पानी लगता है, फिर हमारा फसल और ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे कंट्री की प्रोडक्टिविटी फसल की बढ़ जाती है। फिर क्या है, द नेसेसरी टू थिंक, और हमें क्या सोचना चाहिए, अबाउट द यूटिलाइजिंग ऑफ वाटर बिफोर इट्स लॉसिंग द सी, मतलब हमें ये और ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पानी है, बरसात वाला जो हमारा पानी है वो क्या हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, मतलब बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद होने का मतलब क्या, बहुत सारा पानी देखते हैं बरसात का क्या हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में चला जाता है, या इधर उधर इकट्ठा होकर बर्बाद हो जाता है। तो हमें उस पानी को बर्बाद नहीं होने देना, उस पानी का बेटर यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो फसल है, वो अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके, उसके यूज में लेना है। ठीक है, तो बर्बाद ना हो जाए, इसको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, लॉस ना हो जाए। फिर क्या है, सिंस द इमोरेबल फार्मर, इमोरेबल मतलब क्या, जो पुराने फार्मर थे, पुराने मतलब प्राचीन, ठीक है, प्राचीन के जो फार्मर थे वो क्या करते थे, ड्राई, अब देखिए जो हमारे पुराने फार्मर थे, ठीक है, प्राचीन फार्मर थे, वो क्या करते थे, ड्राई के लिए, ड्राई मतलब किसको ड्राई करने के लिए, लैंड को ड्राई करने के लिए किसका यूज करते थे, देखिए भैया दिखाते हैं, लैंड को ड्राई करने के लिए किसका यूज करते थे, ठीक है, देखिए इधर, तो लैंड का जो हमारा जो लैंड है, ठीक है, जो हमारे पुराने फार्मर थे, किसान थे, वो क्या करते थे, ड्राई करने के लिए किसका यूज करते थे, तो सब सरफेस रनऑफ का, सरफेस रनऑफ कहने का मतलब क्या, तो सब सरफेस रनऑफ कहने का मतलब कि मान लीजिए कि बारिश हुआ, ठीक है, तो बारिश हुआ तो जानते हैं कि लैंड पे हुआ तो भाई फ्लैटली पानी क्या होगा, फ्लो होगा, ऐसे 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 पानी फ्लो होगा, लेकिन क्या होगा कि ये क्या करते थे, रनऑफ बना देते थे, रनऑफ बनाते भी थे और रनऑफ हो भी जाया करता था, जिसके रनऑफ देखिए कैसे हो जाया करता था, ये पानी को क्या करते थे, एक बे में, ये सर, ठीक है, इस बे में क्या करते थे, पानी को, जैसे कि नाले वगैरह में देखते हुए, आपके गांव वगैरह में या घर वगैरह में देखते हुए कि पानी क्या फ्लैटली सब जगह से नहीं बहता है, देखिए कहीं एक कोना से बहुत तेजी से पानी बहते जा रहा है, मतलब सारा पानी एक जगह इकट्ठा हुआ और एक जगह से फटाफट बहते हुए जा रहा है, इसी को बोलते हैं रनऑफ, क्या बोलते हैं, रनऑफ, मतलब कि सारा पानी एक जगह इकट्ठा, मतलब एक जगह आकर एक जगह से बड़ी मतलब तेजी से फ्लो हो जाए, ठीक है, धारा बे में, ठीक है, उसी को बोलते हैं रनऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पुराने फार्मर थे वो क्या करते थे, पानी को निकालने के लिए, लैंड को ड्राई करने के लिए क्या करते थे, सरफेस रनऑफ का यूज किया करते थे, वो क्या करते थे, सारे पानी को एक जगह कलेक्ट कर लेते थे, कलेक्ट सरफेस रनऑफ ऑफ द प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश के दौरान, बारिश जो हुआ, बारिश के दौरान जितने भी पानी है उसको क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे, एक जगह कलेक्ट कर लेते थे और रनऑफ वे में मतलब धाराधार करके पानी को फटाफट वो निकाल दिया करते थे, ऐसे करने क्या होता आसान हो जाता था, ऐसा करना वो उनके लिए आसान हो जाता था और वो इजी वे में क्या कर लेते थे, पानी को
और भाई वो पानी को निकाल के क्या करते थे, फेंक नहीं देते थे, उस पानी को निकाल के दूसरे चीज में यूज कर लेते थे। मान लीजिए कि दूसरा लैंड है, ठीक है, उसको क्या करना है, सिंचाई करना है, तो उस वे में यूज कर लेते थे। ठीक है, तो वो उस पानी को वेरियस टाइप्स में क्या कर लेते थे, यूज कर लेते थे। ठीक है, वो पानी को वेरियस वे में यूज कर लेते थे। ठीक है, बात समझ में आया, टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है, यूज कर लेते थे, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर के में वो यूज किया करते थे। अब देखिए, वाटर हार्वेस्ट इज इफिशियंट कलेक्शन ऑफ द सरफेस रन ऑफ, और ठीक है, और हमें क्या याद रखना चाहिए कि हम जो पानी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पानी का हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसका यूज इफिशियंट वे में हो सके, मतलब बहुत अच्छे वे में हो सके, उसका यूज करके हम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे और दूसरे कामों में अधिक से अधिक ले सके। ठीक है, हम ले सके। फिर क्या, फॉर द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस, किसके किसके, एग्रीकल्चर पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस। सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस ही नहीं, डोमेस्टिक पर्पस से मतलब घरेलू काम काज में भी हम उस पानी का यूज कर सके। सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, एग्रीकल्चर में तो करते ही हैं, उसके अलावा हम क्या कर सके, डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरेलू काम काज में उस पानी का हम यूज कर सके। ठीक है, चलिए इसके लिए हम आपके लिए जो छोटा सा तस्वीर लेके आए हैं, इमेज लेके आए हैं, जो कि आपको देख के बताते हैं। देखिए भैया, ये क्या है कि हमारा रेन वाटर पानी है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्ट हुआ, मतलब कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हो, ये घर बना हुआ है, ऊपर से क्या हो रहा है, बरसात हो रहा है, बरसात हुआ तो पानी क्या होता है, ऐसे तो बर्बाद ही हो जाता है, तो लेकिन इस पानी को हमको क्या करना है, यूज करना। तो कैसे स्टोर किए, फटाफट देख लीजिए, इस पानी को हम क्या करिए, एक पाइप के थ्रू, यहाँ से क्या बरसात आया, ऊपर से पाइप के थ्रू पानी को क्या कर लिए, ग्राउंड में स्टोर कर लिए, देख ही रहे हैं, ग्राउंड में स्टोर कर लिए, और फिर पाइप के थ्रू हम क्या कर लिए, ऊपर पंप कर और हम स्प्रिंकल के थ्रू हम क्या कर लिए, अपने प्लांट को क्या करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए हम यूज कर लिए। तो ये जो सारा मेथड, ये जो सारा तरीका है, ठीक है, ये सब सारा तरीका से हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर का यूज कर सकते हैं, हार्वेस्ट करके हम बेटर वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्ट का ये कॉन्सेप्ट रहा। अब क्या है, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात है भाई, यहां तक तो हम रेन वाटर हार्वेस्ट देखे थे, लेकिन अब मोस्टली क्या बात आ जाती है कि भाई एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ ढांचा कैसा होता होगा, कैसे लोग एग्रीकल्चर करते होंगे, उनका आकार या डिजाइन कैसा होता होगा, तो चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर डील्स विद द एग्रीकल्चर फैकल्टीज यूज इन द एग्रीकल्चर, कहने का मतलब एग्रीकल्चर का जो डिजाइन होता था, स्ट्रक्चर होता था, वो एग्रीकल्चर के पर्पस मतलब एफिशिएंट, ठीक है, सुविधाजनक ढंग से क्या किया जाता, रेडी किया जाता था, वो भी एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था, एग्रीकल्चर को पर्पस में ध्यान रखते हुए उसके बेसिस पे क्या किया जाता, डिजाइन किया जाता था। अब देख लीजिए, ग्रीन हाउस तो देख रहे हैं, ग्रीन हाउस तो सबको पता होगा, जिसमें क्या होता है बताइए फटाफट, प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस, पैनिस एनिमल, अरे भाई पैनिस एनिमल नया शब्द, कौन सा शब्द, तो पैनिस एनिमल वो एनिमल जिसको हम क्या करते हैं, पालते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस में तो कौन कौन से, जैसे भेड़, बकरी, काऊ, गोट, बफेलो वगैरह वगैरह बहुत सा जानवर है जिसको हम डोमेस्टिक पर्पस से क्या करते हैं, पालते हैं, तो उसी को बोलते हैं पैन एनिमल। उसके बाद क्या है, टोबैको जानते हैं ना, तंबाकू वगैरह जिसका खेती करते, तंबाकू समझते हैं ना, जो वही वाला तंबाकू, ठीक है, तो तंबाकू वगैरह का क्या करते हैं, हम खेती वगैरह करते हैं, तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फिर क्या है, लेबोरेटरी, भाई लेबोरेटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और सर्टिफिकेट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा मिट्टी अच्छा है कि नहीं, मिट्टी किस लेवल का है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और हम सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि नहीं यहाँ का लैंड सबसे अच्छा है, इसमें इस टाइप का क्या हो सकता है, फसल लग सकता है, इसमें ये फसल लग सकता है, तो सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या, एक है पोस्ट हार्वेस्ट बिल्डिंग, पोस्ट हार्वेस्ट कहने का मतलब और बिल्डिंग कहने का मतलब क्या है भैया, वो फसल जो कि हम क्या कर लिए, काट लिए हो, हार्वेस्ट कर लिए हो, ठीक है, मान लीजिए हम फसल लगाए, फसल बड़ा हो गया, हम काट लिए, तो काट के भाई कहीं रखेंगे ना, तो हम काटने के बाद जो हम रखेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट बिल्डिंग, तो उसके लिए हमने बिल्डिंग रेडी करते हैं। फिर स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, अब मान लीजिए पोस्ट हार्वेस्ट कर लिए, फसल को काट लिए, ठीक है, तो काटने के बाद जहाँ हम स्टोर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करेंगे, तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, उसको स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। अब बोलिए भाई स्टोरेज बिल्डिंग है तो पोस्ट हार्वेस्ट का क्या मतलब, तो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि इंसेंट, मान लीजिए अभी हम क्या करें, प्लांट को फटाफट काटें, जो हमारा क्रॉप था उस क्रॉप को हम क्या कर लिए, फसल को काट लिए, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, ठीक है, वीट को हम काट लिए, तो फिर कहाँ रखना है, तो इंस्टेंट जहाँ रखना है उसी को हम बोलते हैं
बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद जहां हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं, रखते हैं सामान को, उसको बोलते हैं स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर का डिजाइन था। चल अरे भाई ये देख लीजिए, डिजाइन आ ही गया आपके सामने, बोले और डिजाइन वाला इमेज भी आ गया। हमारे टेक्निकल टीम ने बड़ी मेहनत करके लगाई है, सजाई है। देखिए इधर एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, भाई ये हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर का एक डिजाइन आपके सामने देख रहे हैं। देखिए ये कितनी बखूबी इस ढंग से बनाया गया एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, देख रहे हैं, बड़ी मतलब बखूबी ढंग से डिजाइन किया गया इसमें। देख रहे हैं यहाँ से छोटा छोटा क्या किया गया, घिरावा दे दिया गया, घेर दिया गया, ताकि इसमें क्या जो फसल लगा सके, इसमें जो फसल लगा सके इसमें कोई भी जानवर एंट्री ना कर सके, ठीक है। फिर देखिए इधर आपको दिख रहा होगा इस ये पॉइंट यहाँ से घिरा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ से घिरा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर है ये। और फिर ये इसमें जो हम खेती कर सके, इसमें हम जो प्लांट लगा सके, इसमें कोई जानवर वगैरह एंट्री ना कर सके। और फिर क्या कर सके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ जानवर वगैरह को मान लीजिए कि बारिश वरिश आ गया तो उसमें हम रख भी सकते हैं, या मान लीजिए कोई अभी मान लीजिए बारिश वगैरह कुछ स्टार्ट हो गया तो हमको कोई चीज सेव करना है, कोई मतलब क्रॉप लाएं, ठीक है, तो उसको हम कुछ टाइम के लिए इसमें सुरक्षित रख सकते हैं, कहीं नहीं जा दूर नहीं ले जा सके तो, ठीक है। तो इंस्टेंट के लिए सारे चीजों में मतलब ऐसा स्ट्रक्चर करें कि बहुत सारे पर्पज से हम यूज कर सके इस स्ट्रक्चर को। तो देख रहे हैं कितने बखूबी ढंग से जो हमारी टेक्निकल टीम ने जो है इसको लगाइए, जो इमेज आपके सामने देख रहे हैं कितना प्यारा इमेज है, देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है, देख रहे हैं इधर पीछे दिख रहा होगा खेती वगैरह हो रहा है, इधर बहुत सारा खेती, देख रहे हैं खेत के बगल में, ज्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, देखे इधर खेती वगैरह हो रहा है, फसल सब लगा हुआ है, ठीक है, सबको काट के इंस्टेंट में लाएंगे, फटाफट उसको सेव कर लेंगे, ठीक है, कब रेनो जब रेनी सीजन होगा तब, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग, वाह ये क्या बात है भाई। अब मान लीजिए फसल काट लेंगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियर का यही थोड़ी काम होता है कि भाई फसल काट के रख लिए कहानी खत्म, नहीं भाई, फसल काटने के बाद हम क्या कर सके, ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, ठीक है। तो जो सुविधाजनक ढंग से जो हम व्यापार कर सके उसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग मतलब व्यापार, ऑब्वियसली सी बात है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियर ये भी होते हैं कि ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई फसल होने के बाद हम क्या कर सके, उसको व्यापार कर सके, उसका हम यूज कर सके, ठीक है, किसमें, व्यापार करने में। तो चलिए हम दिखाते हैं कि भाई व्यापार करने में कैसे एग्रीकल्चर इंजीनियर जो है सोचते हैं, ठीक है, चलिए। तो ये जो रहा प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग में, एज ए इंजीनियर वी नीड टू थिंक हाउ वी कैन गेट द वर्क डन इन अ बेटर वे। मतलब एक एग्रीकल्चर इंजीनियर जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, कि हम कोई भी काम को कितने आसानी ढंग से और कितने अच्छे वे में हम कर सके, ठीक है, कितने आसानी ढंग से और कितने अच्छे वे में हम क्या कर सके, काम को कर सके, ठीक है, कितने आसानी ढंग से, कितने अच्छे ढंग से, कितने हम क्या कर सके, काम को कर सके, ठीक है। एक एग्रीकल्चर इंजीनियर ये सोचते हैं, यहां तक दिख रहा होगा। उसके बाद पॉइंट देखिए, क्वालिटी रदर देन क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी रदर देन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी जरूरी है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वांटिटी के बदले क्वालिटी जरूरी, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी होगा तो क्वांटिटी अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए। वही बोल रहा है क्वालिटी क्या जरूरी है, किससे, के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टेकन इट कंसीडर, और हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इसको, हम मान के चलते हैं कि भाई हमें क्या क्या मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करना, ना कि क्वांटिटी मेंटेन करना है, ठीक है। क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो हमारा क्वांटिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। द सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स एंड, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वर्कर है वो कैसा काम करे, सेफ्टी वे में काम करे, उसको कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ डू डन कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट, और हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये ध्यान रख सके कि इससे हमारे एनवायरमेंट में कोई दिक्कत ना हो, हमारे एनवायरमेंट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना जाए। मतलब हम काम कर रहे हैं और पता चला कि भाई हम फसल लगा ही रहे हैं और इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, या इतना हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, खाद वगैरह का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना हम न्यूट्रिएंट का यूज कर रहे हैं कि हम अगले साल से उसमें फिर फसल ही ना लगा सके, तो ऐसा हम नेचर को डैमेज ना करें, हम अपने सॉइल को डैमेज ना कर ले। तो ये सारी चीज को एक एग्रीकल्चर इंजीनियर को बड़े ध्यान रख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, चलिए दिखाते हैं फिर से। उसके बाद आगे जो हमारा है, ठीक है, आगे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा द नीड, ठीक है, द नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है। और जब क्या, और क्या हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर उनको जरूरत हो, ठीक है, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर क्या सोचते हैं कि अगर जरूरत
वो तो क्या है, ट्रेनिंग भी दे सके। मतलब एक कल्चर इंजीनियर ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे वर्कर को जरूरत है ट्रेनिंग का, तो वो ट्रेनिंग भी दे, ठीक है, वो ट्रेनिंग भी दे सके, ठीक है। तो यही है कि द नीड टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग कहने का मतलब कि जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग का देना है। मान लीजिए कि किसी वर्कर को हमने लिया, ठीक है, तो उसको तो हमने जॉब दे दी कि भाई तुम आप जो है हम मेरे यहाँ वर्कर होगे इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए स्किल उसके पास नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्किल देंगे। स्किल कैसे देंगे, ऐसा थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम में स्किल देंगे, एक्स्ट्रा टाइम में हम स्किल नहीं देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम हम स्किल थोड़ी देंगे, ठीक है। तो कैसे स्किल एक्स्ट्रा टाइम में नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, जॉब जो हमारा जॉब जो देंगे उसी जॉब के दौरान हम उसको सिखाते चलेंगे, देखो ऐसे करो, इस इंप्लीमेंट से ऐसे वर्क करो, इस इंप्लीमेंट से ऐसे वर्क करो, ठीक है। तो हम ट्रेनिंग भी देंगे कि हाँ ऐसे वर्क करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसी दौरान हम ट्रेनिंग दे देंगे। फिर क्या है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, और थ्योरेटिकल उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी देंगे। कौन सा थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग मतलब लिखित ट्रेनिंग, मतलब लिखित ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि मतलब हम ऐसा उनको बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, एक डायग्राम लिख के रेडी करेंगे, चार्ट लिख के दे देंगे, ऐसा ऐसा लिख के बताएंगे हाँ ऐसे ये काम के बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, ऐसा ऐसा हम ऐसा लिख के एकदम थ्योरेटिकल टाइप जो कॉपी वगैरह जैसे बनाते हैं उस टाइप से हम लिख के समझाएंगे हाँ इसके बाद ये वर्क करना है, ऐसे करना है। तो हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी देंगे। और क्या, कैटिकुलर सेमिनार, और जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा सेमिनार होगा एग्रीकल्चर पर्पस से की डेवलप कैसे की जाए, ठीक है, एग्रीकल्चर के पर्पस में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उस सेमिनार में भी हम क्या करें, अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को हम क्या करें, ले जाएं और उसको एक स्किल और क्या करें, डेवलप करें, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हम प्रोविजन मतलब एक ट्रेनिंग, एक जो है व्यापार के अंदर हम सोच के रखते हैं, क्योंकि अगर ये सब हमारे एम्प्लॉयज के अंदर होगा, हमारे वर्कर के अंदर होगा, तो क्या होगा, हमारा ट्रेडिंग, हमारा व्यापार और अच्छे ढंग से होगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, वी नीड टू कीप आवर वर्कर्स फोर्स अप टू डेट इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो वर्कर हैं वो क्या करें, टाइम टू टाइम हमें अपडेट देते रहें। किस चीज़ का अपडेट, तो वो जितना व्यापार किए हैं, ठीक है, वो जितना व्यापार किए हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या कर, हमें क्या करें, अपडेट देते रहें। अपडेट इसलिए देते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ हमारा जो है, जो हम एम्प्लॉयज है वो कितना क्या ट्रेड किए, कितना व्यापार किए हैं। तो ये सारा एक फैक्टर होता है किसके, प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, व्यापार के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, यहाँ पे हमारा वन यूनिट क्या होता है, खत्म होता है, किसका, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, ठीक है।